ছাড়ছে এখান থেকে, ডায়মন্ডের কি ছাড়ছে এখান থেকে? না फ्रेंड्स, मुझे अभी यहाँ से जो है फेरी सर्विस है, यहाँ से रायचक जाना है। रायचक से मैं कलकत्ता जाने वाला हूँ। थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि लेट हो चुका हूँ और लंच लग चुका है, मुझे इसी में जाना है, नहीं तो एक घंटा और वेट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत लगा बाइक चढ़ाने में इसमें, और रायचक के लिए निकल चुका हूँ। थोड़ा फास्ट फास्ट निकलना पड़ा, और अभी यहाँ से रायचक और रायचक से डायरेक्ट कलकत्ता। हल्दिया से जर्नी करने के बाद अभी कुकराहाटी पहुंच चुका हूं। लगभग 15-16 किलोमीटर रास्ता हो गया है, और ये देख रहे हैं मैं लंच के जरिए उस पार जाने वाला हूं, और ये देख पा रहे जहाज वगैरह जा रहे हैं, और उस पार ये क्रॉस करने में इतना हार्डली 25 मिनट लगेगा। उसके बाद वहाँ से जो है जर्नी स्टार्ट होगा। हालांकि लगातार 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रहा था, उतना अच्छा क्लाइमेट था नहीं, आज भी उतना अच्छा है नहीं वेदर, लेकिन चलेगा, नो प्रॉब्लम। धूप हुआ है थोड़ा सा। बाकी यहाँ बाइक और मैं दोनों का 55 रुपीस चार्जेस लिया है लोगों ने। ये वेस्ट बंगाल स्टेट का ही फेरी सर्विस है। हल्दिया से 16 किलोमीटर लगभग लगा यहाँ से मुझे आने के लिए। दोस्तों काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है, तभी जाके यहाँ से जो है गाड़ी उतर सकता है या फिर चढ़ सकता है। डबल आइए तो ताकि आपको सुविधा होगा, या फिर किसी का हेल्प ले सकते हैं, बाकी जो बाइकर्स हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं। ऐसे करके इसी के ज़रिए हमें उस पर जाना है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं रायचक से निकल चुका हूँ। कुकराहाटी से लंच के ज़रिए पार होने के बाद थोड़ा मेहनत ज़रूर लगा हम बाइक को ऊपर और नीचे उतारने में। अभी रायचक से जो है मेरा जर्नी शुरू हो चुका है। 50-55 किलोमीटर होगा यहाँ से एस्प्लानेड। रोड्स अभी तो फ़िलहाल अच्छा है, लेकिन मैं जानता हूँ ये ऑफ रोड होगा, ये उतना अच्छा रोड नहीं मिलेगा हमें। बड़ा नेरो रोड, और इसमें कोई ऐसे डिवाइडर वगैरह है नहीं, मतलब तो लेन वगैरह जो है डिवाइड नहीं किया गया है, और काफ़ी रस होता है ये रोड। तो ये जो है थोड़ा ऑफ रोड ड्राइव होगा।
ये रहा खड्डा। दोस्तों गोप्रो में मेरा अडैप्टर नहीं है, मैं फ़ोन के ज़रिए जो है वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा नॉइजी ज़रूर होगा, प्लीज़ थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये है स्वामी नारायण टेम्पल, जो ठीक कलकत्ता और रायचक के बीचों बीच आता है। रायचक से 30 किलोमीटर और कलकत्ता से 20-25 किलोमीटर लोग हार्डली यहाँ आने के लिए डिस्टेंस। दोस्तों यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, खुद रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने जो है मुझे 20-30 सेकेंड का एक वीडियो शूट करने के लिए परमिशन दिया। बस इतना ही मैं आपको दिखा सकता हूँ, बाकी अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ खुद आना पड़ेगा। पर हम भी यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं बिता सकते, हमें और आगे जाना है, टाइम भी बहुत हो गया है। तो चलिए दोस्तों जर्नी कंटिन्यू करते हैं। से हमें राइट टर्न लेना है धनतला के लिए। अगर मैं सेकंड ब्रिज होके आता, अगर मैं कोलाघाट होके आता तो मुझे लेफ्ट से ऐसे बाएं से मैं आता। और दोस्तों आगे से राइट टर्न जो जा रहा है वो राइट अगर लेंगे तो पार्क स्ट्रीट, सीधा जाएंगे तो हमें एस्प्लानेड पहुंच जाएंगे हम।
पा रहे हैं ये इडन गार्डन। ये देखिए इडन गार्डन, मुझे राइड जाना है। तो फ्रेंड्स ये है विक्टोरिया, एक्चुअली कोरोना के लिए बंद है अभी भी, तो सोचा बस बाहर से जो एक झलक है आपको दिखा दूं। लोग आके घूम रहे इधर। विक्टोरिया और प्रिंसेप घाट, ये दो जगह घूमने के बाद अभी टाइम हो चुका है मुझे, मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन आज है वहाँ पहुँचना है मुझे। शॉर्ट लेक जाऊँगा, एक्चुअली बैटरी में चार्ज भी ज़्यादा नहीं है, 15-20% है, उसी में जितना दूर हो पाएगा मैं बस उसी में एंड करने की कोशिश करूँगा।
दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करें। मिलते हैं किसी और दिन किसी एक और नई जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद।